हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपकी चंद्रलेखा मैम। बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। यह वीडियो क्लास 5 के लिए है और हमारा आज का पाठ जो है सर्वनाम, लेसन 7 है ये। आज हम लोग सर्वनाम के बारे में जानेंगे। बच्चों, सर्वनाम क्या है? इससे पहले भी आप लोगों ने कई बार सर्वनाम के बारे में पढ़ा होगा। सर्वनाम हम लोग संज्ञा की जगह पर जो इस्तेमाल करते हैं उसको सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर कुछ कहानी को दर्शाते हुए आपको सर्वनाम समझाने की कोशिश की गई है, तो आप यहाँ देखेंगे। बच्चों, आप जब भी वीडियो देखते हैं तो अपनी बुक जरूर निकालिए, बुक सामने में रखिए और वहाँ से जो कुछ भी आपको दिखने में परेशानी हो तो वह आप अपनी बुक में देखकर समझ सकते हैं। तो इस तरह से हम शुरू करते हैं। इस संवाद को पढ़िए। क्या है यहाँ? गीतिका ने समा से कहा, अच्छा अब मैं चलती हूँ। यहाँ मैं जो है किसके लिए आया है? गीतिका के लिए आया है। तो कहती है कि मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। समा ने कहा, अरे तुम थोड़ी देर के लिए रुक जाओ ना। ये दोनों सहेली में बातें हो रही हैं। गीतिका ने पूछा, क्यों, क्या बात है? तो समा ने कहा, रिजवान तुम्हारे लिए जलेबी लेने गया है, वह आता ही होगा। उसकी इच्छा है कि तुम जलेबी खाकर ही जाओ। बच्चों, यह कहानी यहाँ पर इसलिए दिया गया है कि आपको सर्वनाम की पहचान हो, सर्वनाम के बारे में समझ आए। यहाँ पे आपको हरे रंग से जो शब्द लिखा गया है वह, तो हरे रंग से जो लिखा गया है वह देखिए, जैसे मैं, मुझे, तुम, तुम्हारे, वह, उसकी, तुम, ये सारे शब्द जो हैं वह किसी संज्ञा के लिए इस्तेमाल हुआ है। गीतिका के लिए, समा के लिए, रिजवान के लिए, तो ये सब सर्वनाम कहलाते हैं। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, गीतिका ने अपने लिए किस किस शब्द का प्रयोग किया? मैं और मुझे। समा जिससे बातें हो रही थी उसने अपने लिए क्या क्या इस्तेमाल किया, कौन कौन से शब्द? तो तुम, तुम्हारे का प्रयोग किया। समा ने जिसके बारे में बात की वह कौन है? रिजवान है। तो रिजवान के लिए क्या क्या इस्तेमाल हुआ है? वह और उसकी। तो बच्चों, यहाँ पर आपने जाना कि सर्वनाम शब्द कैसे इस्तेमाल होता है। यहाँ पर आप गौर करेंगे, मैं, मुझे, तुम, तुम्हारे, वह और उसके किसी न किसी नाम के स्थान पर आए हैं, नाम की जगह पर इसका इस्तेमाल हुआ है। ये शब्द सर्वनाम के लिए लिए गए हैं, सर्वनाम से जाने जाते हैं। ये सब मैं, मुझे, तुम, तुम्हारे, ये सब सर्वनाम से के नाम से जाने जाते हैं। बच्चों, अगर इसकी परिभाषा कही जाए तो इसकी परिभाषा है, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं या जिन शब्दों का प्रयोग होता है, इस्तेमाल होता है, उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। बच्चों, अब ये हो गई, अब हम जानेंगे सर्वनाम के भेद के बारे में। सर्वनाम के भेद यहाँ आपको दिखाया गया है, यहाँ दिया गया है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद कौन कौन से हैं उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे और उसका उदाहरण को भी हम समझेंगे।
बच्चों सबसे पहला जो है हमारा सर्वनाम का भेद वह है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरे में आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम और चौथा संबंधवाचक सर्वनाम और पांचवें में आता है आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम और चौथे में है निजवाचक सर्वनाम। बच्चों इस तरह से आपने जाना सर्वनाम के 6 भेद। अब हम इन 6 भेदों को अलग अलग से भी जानेंगे। तो बच्चों अब हम सर्वनाम के भेदों को विस्तार में जानेंगे और उसके उदाहरण के बारे में जानेंगे कि किस सर्वनाम में कौन कौन से शब्द आते हैं और उसका प्रयोग हम लोग किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा वह है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या सब आते हैं इसके बारे में आप जानेंगे। पुरुषवाचक की परिभाषा है, पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा, जब सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाले के लिए और सुनने वालों के लिए और जिसके बारे में बातें कही जा रही हो तो इसके लिए किया जाता है तो वह सर्वनाम कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर से जानिए, जब सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में बातें कही जा रही हो वह सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे पीटर ने कहा मैं जा रहा हूँ। पीटर किसके लिए कह रहा है? तो अपने लिए कह रहा है, अपनी बात कर रहा है, मैं जा रहा हूँ। तो यहाँ मैं क्या हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ दूसरे उदाहरण में देखेंगे, बच्चों ने कहा हम भी चलेंगे। तो इस तरह से यहाँ हम जो है वो भी आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब यहाँ तीसरा उदाहरण देखिए, दादाजी ने पीटर से कहा तुम जरा ठहरो। पीटर ने पूछा आप भी चलेंगे क्या? तो दादाजी ने कहा, दादाजी ने नेहा के बारे में पूछा, क्या वह और उसकी सहेलियां भी जाएंगी? तो बच्चों ने दादाजी को बताया नहीं, वे नहीं जाएंगी। तो बच्चों यहाँ पर तुम, आप, वह, उसकी और वे ये सारे पुरुषवाचक सर्वनाम के ही उदाहरण हैं। यह चित्र के द्वारा आपको यहाँ पर समझाया जा रहा है। और ये सारे शब्द मैं, हम, तुम, आप, वह, उसकी, वे, ये सारे आपको पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। आगे आप जब बड़े क्लास में जाएंगे तब आप इस पुरुषवाचक के 3 भेद हैं, उपभेद हैं, उसके बारे में भी जानेंगे, जो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष कहलाता है। लेकिन अभी आप लोगों को सिर्फ पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में ही पढ़ना है। तो बच्चों आज के लिए यहाँ इसको ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम आपको इससे आगे वाले भेदों के बारे में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।